हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड अभी सुबह का बज रहे हैं 9:45। इस टाइम से ब्लॉग को स्टार्ट कर रही हूँ और तबीयत मेरा कुछ दिनों से ठीक नहीं था, इसीलिए मैंने ब्लॉग शूट नहीं किया। आज भी मेरा तबीयत सही नहीं है, फिर भी मैं सोचा चलो आपके साथ थोड़ा सा ब्लॉग शूट कर लेती हूँ, वार्तालाप कर लेती हूँ। तो चलिए ब्लॉग में बने रहिए और देखते रहिए। देखिए गाइस, कितना सारा मेडिसिन अभी मैं खा रही हूँ, जस्ट लंच करके आई हूँ। देखिए टाइम 3:05 बाकी है, इस टाइम पे मैं इतना सारा मेडिसिन खा रही हूँ और मेडिसिन एकदम अच्छा नहीं है, टेस्ट करवा है। चलिए खा के फिर आगे मिलती हूँ ब्लॉग में। वाह, टेस्ट बहुत कड़वा है। अभी 2 बजा है, दो एक साथ मैंने घटक लिया। वैसे फ्रेंड कल रात को ना बहुत ही तबीयत खराब हो गया था, तो कल रात को इंजेक्शन लिया मैंने। अभी तबीयत पहले जैसे था ना, उससे थोड़ा सा बेटर हूँ, लेकिन एकदम गुड नहीं हूँ। मतलब एकदम अंदर से ना थोड़ा सा है प्रॉब्लम, अभी भी है। तो नाक मेरा जाम हो गया एकदम सर्दी से और ब्रीदिंग नहीं ले पा रही हूँ, तो उसी का दिक्कत थोड़ा सा हो रहा है। देखती हूँ, अगर शाम के 5 बजे तक अगर ठीक नहीं होता है तो मैं जल्दी छुट्टी लेकर मैं आज घर जाने वाली हूँ, क्योंकि रेस्ट करना है। नाक पूरा मेरा जाम है, सांस लेने में इतना दिक्कत आ रहा है, क्या बताऊँ। तो लंच कर लिया, लंच तो करने का मन नहीं था क्योंकि ये मेडिसिन ना बहुत पावरफुल है। तो मुझे जब डॉक्टर ने दिया तो बोला हैवी ब्रेकफास्ट या लंच के बाद ही आप ये मेडिसिन ले सकते हो। ब्रेकफास्ट के बाद भी मेरा मेडिसिन था, क्योंकि ब्रेकफास्ट मैं हैवी नहीं करती हूँ, इसलिए मैंने लंच के बाद लिया और रात में लूंगी बस उसके बाद। अरे ये मेडिसिन लेने के बाद ना बहुत नींद आता है, इतना सारा मेडिसिन का डोज ना पूरा बॉडी को एकदम ये कर देता है, काम करने का वो जोश नहीं रहता है। और ऊपर से मेरा तबीयत खराब है, फीवर तो नहीं है लेकिन ये सर्दी जुकाम, ये वायरल वाला जो चल रहा है उसकी वजह से पूरा तबीयत मेरा डाउन लग रहा है। देखते हैं, जब तक हो सके मैं काम करूंगी, जब नहीं कर पाऊंगी तो सर को बोल के मैं जाऊंगी। तो चलो मिलते हैं आगे ब्लॉग में। गुड इवनिंग एवरीवन, अभी शाम के बज रहे हैं 5:15। तो देखिए वेदर कितना सुंदर है एकदम। और ये वाले फ्लैट में ना हम लोग ढूंढ रहे थे रूम के लिए, तो बहुत हाई दाम बोलता है। मेरे घर से आपको एक बार दिखाया था एक ब्लॉग में, आई होप आपने देखा होगा। ये वाले रूम में कितना लेते हैं, 8,000 का है ये रेंट, 1,000 मेंटेनेंस, और एडवांस देना पड़ता है 30,000 से 35,000 एडवांस देना पड़ता है। तो मेरा तो हैसियत उतना है नहीं, तो मैंने ले नहीं पाई। और ये देखिए व्यू बहुत सुंदर है। और मैं ये रहा आपका श्रेया, और अभी मेरा काम थोड़ा सा हल्का हो गया, तो मैंने सोचा कि ना आपके साथ ये थोड़ा सा प्यारा सा व्यू आपके साथ शेयर करूँ, इसलिए कैमरा हाथ में उठा लिया। तभी तभी थोड़ा सा डाउन है, लेकिन अपने आपको एक्टिव दिखाने का कोशिश जारी है। मुझे ऐसा लोकेशन बहुत पसंद है जहाँ सर झाँक कर गाड़ी वगैरह जा रहे आ रहे देख पाऊँ, ऐसा लोकेशन मुझे बहुत पसंद है। कोई आया है, देखते हैं कौन। देखो एक भूत है। हाय हेलो। अंदर में दिख नहीं रहा है। गाइस छुट्टी मेरा हो गया है, घर जाके फटाफट रेडी होकर एकदम निकल पड़ी हूँ। कहाँ पता है,
मैं अभी जा रही हूँ दिवाली शॉपिंग करने, ये मैं बहुत खुश हूँ। और जब शॉपिंग का बात आता है, कहीं पे घूमने जाने का बात आता है ना, तबीयत जितना भी डाउन कितना भी ख़राब क्यों ना हो, मैं जाती हूँ। कौन कौन मेरे जैसा है प्लीज़ कमेंट करके बताना। मुझे तो घूमना, शॉपिंग करना, नया नया खाना खाना रेस्टोरेंट में मुझे बहुत पसंद है। तो चलिए फाइनली हम आ चुके हैं। जींस वाले उधर है, ये लड़कियों का सेक्शन है। मैं आई हूँ नवरात्रि का, नवरात्रि नहीं दिवाली का शॉपिंग करने। बाल कैसे हो गया, स्कूटी में आई ना पूरा? सामने सामने फाइनल भी हो जाएगा। आप भी आ जाइए ब्लॉग में। आज मैं आई हूँ सर के साथ शॉपिंग करने के लिए। ये भी तो, ये भी लेडीज सेक्शन है। ये जींस, जींस नहीं ये रहा, ये भी तो लेडीज ही लग रहा है मुझे। चलो मैं शॉपिंग कर लेती हूँ, फिर बाद में मिलती हूँ। किस किस का दिवाली शॉपिंग हो गया बताना। गाइस मैंने नया लैपटॉप परचेस किया है, मेरा तबीयत ख़राब था जिसके लिए आपके साथ शेयर नहीं कर पाई। मैं वो वाला वीडियो बहुत जल्दी लेके आऊँगी, जस्ट मैं अभी वेट कर रही हूँ सर का हो जाए शॉपिंग। ये हुआ ये, ओके ना, तो ये गई घर। देखिए सर ने ये दो शर्ट लिया है। अरे जला आ गए नीचे, एकदम ऊपर नहीं गए ना हम लोग, थर्ड फ्लोर में भी देखा मैंने। अभी टॉप मिलेगा, टॉप सेक्शन में चलते हैं। इधर तो विंटर वाला टॉप भरा हुआ है। चलिए कैमरा ऑफ करती हूँ, मैं शॉपिंग में ध्यान देती हूँ। आ गई हूँ अभी ट्रायल करने के लिए। ये देखिए मैं ये सिलेक्ट करके लेके आई हूँ, एक एक करके ट्राई करती हूँ, आपको दिखाती हूँ और बताना कौन सा इसमें से अच्छा है। ठीक है, जब तक आप बताओगे तब तक मेरा ऑलरेडी परचेस करना हो जाएगा। फिर भी दिखाते हैं, बताना आपको कौन सा लगा अच्छा। ओके चलो ट्राई। ये फर्स्ट है क्रॉप टॉप, देखिए ठीक है, ओके ओके है, उतना भी अच्छा नहीं है। आप सबको कैसा लगा प्लीज बताना। ये है मेरा दूसरा क्रॉप टॉप ब्लैक कलर का, ये अच्छा लग रहा है, ब्लैक ना सबको अच्छा लगता है। प्लीज कमेंट करके आप लोग बताना मुझ पे ये ब्लैक कलर का कैसा लग रहा है। अच्छा है, खराब नहीं है। चलिए ये मेरा दूसरा ट्रॉप है क्रॉप टॉप, ये पसंद आया मुझे। अभी कौन सा मैं लेने वाली हूँ आपको आगे पता चलेगा, नेक्स्ट ट्राई करते हैं। ये रहा विंटर वाला फुल स्लीव वाला एक टॉप है, लेकिन ऊली कॉटन जैसा है, ऊली का है। ये कैसा लग रहा प्लीज कमेंट करके बताइए, मुझे बहुत पसंद आया। आ गई मैं अपने अवतार पे, तो चलिए लेके जाते हैं फाइनल। मैं कौन सा लेती हूँ मैं आपको बाद में बताती हूँ, चलिए चलते हैं। बाहर कितना गर्मी है, अंदर से तो पता नहीं चला। देखिए फाइनली शॉपिंग हो गया है। इसमें कोई लोगो वगैरह कुछ नहीं लगाया है, पहले तो रहता था। शॉपिंग हो गया, अभी हम जा रहे हैं, निकल पड़े हैं।